तो भैया चलो चलो चलो, जम्मू से आए सीधे पाकिस्तान जा रहे हो, सवारी पे बैठो भाई। दोस्तों हम पहुंच गए एट द एक्चुअल बॉर्डर, वी एंटर इन पाकिस्तान। तो भाई हम पाकिस्तान के टर्मिनल में पहुंच चुके हैं। सो भाई साहब ये चेक करो, ये क्या है? ये है जी 306 पाकिस्तानी मुल्तानी सोल हलवा, और मेरे हाथ में पाकिस्तान के बड़े बढ़िया बढ़िया नोट। ये भाई लगभग 45,000 रुपीज है। नहीं 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 सर, दिस इज 46,200 रुपीज, जो कि इंडिया में थे 16,500 रुपए। अरे वाह, पर इतने की हमने शॉपिंग कर ली है भाई। तो दोस्तों सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं और वी आर इन पठानकोट हेडिंग टुवर्ड्स श्री करतारपुर साहिब इन पाकिस्तान। भाई क्या क्या प्रोसेस रहता है पूरी वीडियो में बताएंगे आपको, कौन सी करेंसी चलती है, पूरे दर्शन कराएंगे आपको। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों गूगल मैप्स पे लोकेशन लग गई है पठानकोट से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर की, तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं। लगभग 80 किलोमीटर का सफर है। लेट्स स्टार्ट द रूट। हमने जस्ट गुरदासपुर क्रॉस किया और यहाँ से लगभग 33 किलोमीटर दूर है भाई करतारपुर कॉरिडोर। तो दोस्तों कॉरिडोर में जाने से पहले कुछ ही नजदीक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आएगा, यहाँ पे आपने कोविड टेस्ट करवाना है और नेगेटिव पर्ची वहाँ लेके जानी है। तो चलिए करवाते हैं अपना कोविड टेस्ट। तो दोस्तों कोविड टेस्ट कराने के बाद आपको ये वाली स्क्रिप्ट मिलेगी, यहाँ से ये मिलेगी आपको। इसके लिए आपको अपना पासपोर्ट डिटेल्स देनी पड़ेंगी, अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल। तो दोस्तों करतारपुर कॉरिडोर ट्रैवल करने के लिए आपको ETA का रिसिप्ट और साथ में कोविड की पर्ची बहुत ज़रूरी है, कोविड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, तो वो यहाँ पे आके होता है। उसके बाद ETA ऑथराइजेशन जो है ये CID वेरिफिकेशन के बाद मिलेगी आपको, जैसे आपकी ट्रैवलिंग डेट कन्फर्म होगी उसके 1 या 2 दिन पहले मिलेगी ये। तो भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गाड़ी पार्क करने के बाद इमिग्रेशन ऑफिस के सामने। पीछे मेरे देख लो इमिग्रेशन ऑफिस है, और यहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराने हैं और उसके बाद वी विल गो टू पाकिस्तान। लेट्स गो। भैया चलो चलो चलो, जम्मू से आए सीधे पाकिस्तान जा रहे हो, सवारी पे बैठो भाई। आजो। पाजी पैसे कितने लोगे वो तो बताया नहीं आपने। दे दिए डॉलर 20 आपने। 20 डॉलर दे दिए। ठीक है, ये तो बोलो, ऐसी बात नहीं है, भाई की जेब में डॉलर है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट चीज़ हर जगह लिखी हुई है, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह लिखी हुई है कि पाकिस्तानी करेंसी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इंडिया, तो कोई भी भाई गलती से भी मत लेके आना। दोस्तों हम पहुंच गए एट द एक्चुअल बॉर्डर, LOC पे हैं इंडिया पाकिस्तान की। LOC पे हैं एंड दिस इज इंडियन फ्लैग और वहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग है। वापिस नहीं, चलो चलो पाकिस्तान। तो चल सकते हैं, अभी हम पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आगे हमारे लिए कार्ड्स लगी हुई हैं, इनमें जाएंगे जी हम। भाई हम पाकिस्तान के टर्मिनल में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे इमिग्रेशन होगी जी हमारी। ये है जी पाकिस्तानी इमिग्रेशन, यहाँ पे हमारी इमिग्रेशन होगी। चलते हैं आपको इनका प्रोसेस दिखाते हैं। ये है जी इमिग्रेशन हाउस यहाँ का।
तो ये चेक कर लो जी, यहाँ हमें मिल गई है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्लिप जो हमें वहाँ पे देनी है इमिग्रेशन काउंटर पे, और यहाँ पे $20 पर पर्सन की फीस लगती है जो कि आप सिर्फ 5 से लेकर $100 तक दे सकते हो। हमें किसी ने बताया था कि मतलब पर पर्सन 20 है तो आपको 20 वाला नहीं लाना पड़ेगा, पर 20 वाला नहीं होता, आप इकट्ठे जैसे 5 लोगों का $100 भी दे सकते हो या सिंगल सिंगल करके ला सकते हो, पर 5 से नीचे मत लाना, हमारी तरह $1 मत लाना, वो वेस्ट हो जाएंगे आपके। यात्री पास मिल गया है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं और सामने हमारी बस वेट कर रही है। हमारा क्लियरेंस हो गई है, ये हमें कार्ड भी मिल गया और अब हम इस बस में बैठने वाले हैं। तो भाई एक चीज़ बताता हूँ, ये इंडिया का टाइम हो रहा है 9:44 और पाकिस्तान का टाइम कितना आ रहा है भाई 9:14। तो भाई इतना टाइम डिफरेंस है वहाँ पर यहाँ का, और हमारे हिंदुस्तान में टाइम हो रहा है 9:45। तो भाई साहब एंटर करते हैं ना, यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ हमें गाइड किया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे कैसे हमें दर्शन करने हैं, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं या जो भी होगा ना, हमें गाइड किया जाएगा यहाँ पे सारा अच्छे से। भाई अभी हम मेरी प्लेट्स और ये सब बर्तन लेंगे, हम भैया ने ले लिया प्लेट, गिव इट टू मी, दिस इज माय प्लेट एंड दिस इज माय स्पून, ये भैया तो हाथ से खाते हैं, और एक ग्लास प्लीज इसमें डाल दो। तो ये हमारी थाली कंप्लीट हुई, भैया की थाली भी कंप्लीट हुई और हरमीतिया की भी थाली एब्सोल्युटली कंप्लीट हुई। तो अभी हम यहाँ बैठ के खाएँगे। तो दोस्तों गुरुद्वारा साहब में हम लंगर छकने लगे हैं, यहाँ पे चावल है, दाल है, प्रसादा है और मीठे चावल है, ये कलरफुल मीठे चावल है, अभी छकते हैं जी लंगर। तो दोस्तों गुरुद्वारा साहब के बाद अभी मैं मार्केट में आया और मेरे पास पाकिस्तानी करेंसी है। यहाँ पे एक शॉप है बहुत प्यारी सी यूके कैफ़े के नाम से, और यहाँ पे चिप्स बहुत अनोखी अनोखी हैं, चिप्स है, और पाजी ने कोल्ड ड्रिंक लिया है। भैया कौन सी कोल्ड ड्रिंक है? ये स्प्राइट है, यहाँ की स्पेशल स्प्राइट जिसमें जो है कि ये देखो मिंट फ्लेवर, मतलब वाइट वाली हमारे इंडिया में मिलती है, ये वो है मतलब ट्रांसलूसेंट ग्रीन कलर की मिंट वाली है, ये इरफान जी ने दी है। इरफान जी इसके क्या फ़ायदे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान जी, हैं भाई जान क्या हाल है, ठीक हो? जी जी भैया, आप करतारपुर के अंदर आए हैं, आप लोगों ने विजिट कर रहे हैं आज, आप करतारपुर के अंदर यहाँ पे आपने लेस लेनी है, आप लेस दीजिए, ये हमारे पास आज एक्सा में आया, 20 पीस है एक्सा में, 150 इसकी प्राइस है, और ये फैमिली पैक है और बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारी चीज़ है। आप लोग जब भी आए, अभी भी आए, अभी भी ट्राई करो, और जब नेक्स्ट टाइम जब आपकी फैमिली है, कोई गैदरिंग वगैरह होती है, तो ये यूज हर इंसान करता है, हर फैमिली यही देता है। अच्छा इरफान भाई, ये बहुत ही प्यारी, ये जो आपने हमें कोल्ड ड्रिंक लाई ना स्प्राइट, इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसके ये फायदे हैं कि ये गोगर जो बनी होती है ना पेट की, जो
कहते हैं बड़ी चर्बी होगी, बड़ा खा पी लिया, बड़ा हजम हो गया, पता नहीं किन्ना बंदा खाता पीता, सैर भी नहीं करता, वॉक भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। भाई यहाँ फायदा यही है, यह कोल्ड ड्रिंक तैयार की गई है क्योंकि यहाँ फायदा है पेट उत्ते बड़ा कम करती है, यह पेट में थोड़े घटाती है चर्बी खोरती हैगी है, थोड़ी जी गैस गूस खत्म करती हैगी है, यदा यह फायदा, यहाँ नाम है मिंट मार्गरीटा। ये स्प्रैट ने नवा फ्लेवर कढ़िया, तुम जरूर ट्राई करो पाकिस्तान के अंदर आके यूके कैफे के थ्रू। यह बहुत ही प्यारी, बड़ी यूनीक, बड़ी प्यारी चीज हैगी है, यह है तो ना कोल्ड ड्रिंक ही है, बोतल ही है। जेन्युइन रिव्यू देना अपना। तो भाई सोन हलवा भी है यहाँ पे, वो भी करेंगे ट्राई, डिफरेंट है भाई, है ना, अच्छी है, ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेश लाइम बोतल में मिल रहा हो। मैं वर्जिन में तो हाँ भाई साहब, करेंसी तो पकड़ी, आप भी टेस्ट करके रिव्यू दो जरा। मैं सोच रहा हूँ कौन सा चिप्स अलग अलग फ्लेवर है भाई, पहले ये तो रिव्यू दो, इसका टेस्ट रिव्यू तो दो। कुरकुरे भी अलग है यहाँ पे, भाई एकदम डिफरेंट है, वर्जिन मोहितो बॉटल में डाल दिया, यही बात है, और 95 रुपीज प्राइस लिखा है इसका। भाई कभी भी आप यहाँ पे आओ तो ये ट्राई जरूर करना, मैं ये चिप्स जो है ना ये ले जाऊँगा अपने घर। तो भाई साहब मेरे हाथ में डब्बा है 306 ब्रांड का, मुल्तान का फेमस मुल्तानी सोन हलवा, पाकिस्तान के नोट हाथ में, और हमारे साथ है पाकिस्तान से भाई। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हालचाल? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। अरे इंटरनेट पे बड़े छाए हुए हैं आप और आपके सोन हलवे। इंशाल्लाह मैं नहीं, ये मेरी ब्रांड की वजह से मैं छाया हूं। अच्छा जी, आपको टेस्ट करवाते हैं। सबसे क्या चीज क्या, पहले बताओ चीज क्या है? मुल्तानी सोन हलवा, जैसे आपका डोडा बर्फी होती है ना। हाँ जी हाँ जी, वैसे हमारा ये मुल्तानी सोन हलवा। ये होता क्या है? ये दूध खोए देसी की ड्राई फ्रूट से बनता है। भाई ये चेक करो, मिठाई सारा ड्राई फ्रूट है, अखरोट है, ये भी आप ही चेक करें, और ये हमारे कैमरामैन को भी मिल गया। पाजी एक बार दिखाना है पास से, जरा इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ऐसे करके दिखाना। ये चेक करो यार, ये है मुल्तान का सोन हलवा, जिसमें ढेर सारे अखरोट, बादाम, पिस्ते डले हुए हैं। ये किस चीज है, ये क्या चीज है, आटा है? नहीं, दूध खोया देसी की ड्राई फ्रूट। अच्छा अपना फोन साइलेंट कर ले आपका, लो जी। अच्छा ये भी आप इसी से बताएंगे, दूध खोया देसी की ड्राई फ्रूट। अच्छा जो चीजें डलती है मेंशन कंपनी की। इधर देखो इधर देखो देखो, मिल्क अपनी फ्लोर, ग्रीन फ्लोर विद शुगर, देसी की ड्राई फ्रूट। और ये दिखाना, ये क्या फ्रॉम, अच्छा ये ऑर्डर ये लिखा हो पाकिस्तान, ये क्या मुल्तान ऑफ पाकिस्तान। अच्छा मुल्तान का है जी जी, आप मुल्तान से हो क्या? जी मैं मुल्तान से हूँ, मुल्तान रेलवे स्टेशन पे सोनल की शॉप में। आपका नाम क्या है? जाहिर मुनव्वर। जाहिर मुनव्वर, यूट्यूब मुझे जानता भी है। अच्छा जाहिर मुनव्वर के नाम से। अच्छा जी, जी। क्या बात है, कौन कौन से हलवे हैं आपके पास? सर ये एक काजू वाला होता है, ये अंजीर वाला होता है, ठीक है, और ये पिस्ता जाफरान, ठीक है, स्पेशल अखरोटी। अच्छा क्या कीमत रहती है इसकी? ये मेंशन है कंपनी के रेट हमारे सामने, वो देखो जी कंपनी के रेट में लिखा हुआ, पाकिस्तानी करेंसी है। अच्छा तो जैसे ये आपने वहाँ पे लिखा हुआ सबसे ऊपर 800 रुपए का, 800 रुपए, ये 290 का पड़ेगा आपको इंडियन करेंसी में, 290 रुपए का, 290 रुपए का पड़ेगा। और ये सबसे छोटा, ये इसका जो छोटा ये 145 का पड़ेगा, 145 इंडियन करेंसी में। पाकिस्तान में कितना बना? पाकिस्तान का 400 रुपए का, 400 रुपया। हाँ जी। ओ देखो भैया, ओ हमारे पे तो, हम तो शॉर्ट हो गए, 100, 200, 300, 350, 360 रुपए। और चेंज करा के देता हूँ, कोई नहीं, अगर आपने और लेने ठीक है, वरना ये मैं आपको ये तो पकड़ो ना पहले, आपको 40 दूंगा एक डब्बा। नहीं, नहीं, कोई कोई मसला नहीं, आपके ये उतने का ही हो गया। नहीं इतने का क्यों, ये तो गलत बात है, आपका नुकसान हो जाएगा। मैं ओनर हूं, कोई मसला नहीं इस बात, नुकसान हो जाएगा आपका। नहीं सर मैं आपको पैकिंग कर देता हूं। अरे वाह यार, ये चेक करो भाइयों का प्यार कितना है यहाँ पर, और बहुत भाईचारे के साथ यहाँ चीजें खिलाई जा रही है। आप टेस्ट करते? हाँ टेस्ट कर रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ भाई। अभी हम टेस्ट करेंगे मुल्तान का फेमस सोन हलवा। भाई साहब ये डोडे से बहुत अलग है, डोडा आपका थोड़ा सा ना वो नरम, इसकी दर बनाई ज्यादा है, इसमें थोड़ा देसी घी भी है और उसमें ड्राई फ्रूट भी कम होता है। अच्छा आपका येलो कलर का डब्बा था कोटकपुरे का, आपने बिल्कुल, देखा बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे को 20 साल पहले भी पता कि आपका डोडा मिलता है। आप गए तो नहीं हमारे इंदौर? नहीं नहीं नहीं, मेरे दुबई खानदान रहता मेरा सारा। अच्छा। तो मैंने उनको हलवा भेजा ना, वो इंडियन थे, वो कहते हैं कि यार ऐसे साढ़ा टोडा कौन लिया, वो कहते नहीं हलवा है, वो बहस हो गई उन्होंने। अच्छा वो फिर इंडिया छुट्टी आया तो उन्होंने टोडा लेके दुबई गया, उन्होंने खोया, उन्होंने क्या साढ़ा टोडा है। अच्छा मेरे लिए लेके छुट्टी आ रहे थे पाकिस्तान। अच्छा क्या बात है, अरे ये बनता डालडे से देसी घी से? देसी से, जो आपको टेस्ट कराया ना प्योर देसी से, प्योर देसी का बनता है। तो भाई साहब प्योर देसी घी का सोन हलवा, अगर आप भी करतारपुर दर्शन करने आ रहे हो गुरुद्वारे में तो हमारे भाई के पास आए, इनसे ये आइटम खाएं, बहुत यूनिक मुल्तान का मशहूर सोन हलवा पाकिस्तानी, हमारे पूरे पाकिस्तान में छापे हैं, और सबसे यूनिक मिठाई पाकिस्तान में यही है। क्या बात है, अगर पूरे पाकिस्तान में 100% की मिठाई बिकती है ना तो तकरीबन 70-80% यही बिकती है। पाकिस्तान से बाहर आप इधर से गुरुद्वारे से बाहर भी जाएंगे तो आप इंशाल्लाह इससे ज्यादा इज्जत मिलेगी आपको। और बड़ी चीज है, ऐसी बात नहीं, इतनी जितनी खुशी मेरे को यहाँ के लोग देख के हो रही है उतनी खुशी वहाँ के लोगों को मेरे को देख के हो रही है। यार कि ये पाकिस्तानी भाई हैं, हिंदुस्तानी भाई हैं, तो भाई हम सबको यही कहेंगे कि खुश रहो यार। और आपका जो गेटअप है ना, सिर्फ ये कार से पहचाने जाएंगे आप, वरना आप बाहर आ जाए आप में से किसी की जजमेंट नहीं होगी कि आप इंडियन है। बिल्कुल यार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हम यही सबको मैसेज देंगे कि प्यार करो, प्यार
फैलाओ, जिंदगी यही आराम से प्यार वापस से बिल्कुल। और दर्शन करने जरूर आओ करतारपुर, हमारे भाईजान से हलवा जरूर लेके जाओ। मेरा एक पैकेट हो गया, अभी मैं करेंसी चेंज करा के पीछे कैमरामैन के लिए एक और पैकेट लूंगा। तो दोस्तों ये हो गई है जी शॉपिंग करतारपुर साहिब में, बहुत ज्यादा शॉपिंग हो गई है। ये भाई लगभग 45,000 रुपीज है। अरे वाह, तो लगभग 50,000 के करीब ये पैसा है, और इतने की हमने शॉपिंग कर ली है भाई। लीजिए ये भी अपने लिफाफे, लीजिए भाजी एक बार काउंट कर लो। तो भाजी के पास अगर आप करतारपुर में हो तो भाजी के पास जरूर आना, इनकी शॉप पे बहुत ज्यादा वैरायटी है। पंजाबी क्लॉथ हाउस और पंजाबी गुस्सा, क्या हमारी दो शॉप है वो सामने पंजाबी गुस्सा अभी हम तैयार कर रहे हैं। अरे वाह, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह। और ये हमारी पंजाबी शॉल है। अरे वाह, हम इसे पाकिस्तान में फुलकारी भी बोलते हैं, पाकिस्तानी। क्या बात है, और बहुत प्यारी चीज है, बहुत बढ़िया। ये आपके इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली और गुरु घर में स्पेशल, और स्पेशल ये हमारे पास है। क्या बात है, सबसे बड़ी खासियत। अरे वाह, ये नवजोत सिंह सिद्धू साहब जी। जी नवजोत। अरे वाह, छा गया गुरु, छा गया, छा गया गुरु, छा गया। चकमे फट्टे 90 की ली। तो ये एक्सपीरियंस था हमारा पूरा श्री करतारपुर साहिब का, साथ में प्यारी से मार्केट है। तो कभी भी आप श्री करतारपुर साहिब आए, इस मार्केट में भी जरूर आना, और ये प्यारी प्यारी सी चीजें खरीदना, अपने लिए हिंदुस्तान लेके जाना। तो भाई फाइनली अब हम पहुंच गए हैं LOC पे, पाकिस्तान में हैं, और सामने है जी हमारा इंडिया। हरमीत सिंह जी आ रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं। तो भाई दोस्तों दर्शन करके आ गए वापस, तो ब्लॉग को करते हैं एंड, चलते हैं अपने मुल्क वापस। ये आ गए जी अपना मुल्क। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय।